कॉम um, आज ये सवाल किया गया कि इन्ग्रीडियंट्स ऑफ अ गुड सी एस एस ऐसे जो है उस पर ज़रा बात की जाए तो इन शह हम उसे डिस्कस करेंगे इन डिटेल uh, कुछ चीज़ें हैं जो मद्दनज़र रखनी होती हैं क्योंकि सी एस एस ऐसे जब आप देने जाते हैं तो देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू नीड टू बी माइंडफुल ऑफ़ और जो आपके ऐसे को डिस्टिंगविश कराती हैं अब वो क्या चीज़ें हैं सबसे पहले तो द फर्स्ट इन्ग्रीडियंट इज़ अ गुड आउटलाइन एंड वेन आई से अ गुड आउटलाइन आई मीन अ कॉम्प्रीहेंसिव येट प्रिसाइज एंड रेलिवेंट आउटलाइन यानी आउटलाइन आपकी कॉम्प्रीहेंसिव भी हो जो आपके प्रॉम में की वर्ड्स हैं की फ्रेजेज हैं की कंटेंशनस हैं आउटलाइन उन पर भी बात करे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बट एट द सेम टाइम वो स्कोप से बाहर भी ना जाए जो स्कोप आपको टॉपिक में दिया गया है वो उसी के अंदर रहते हुए आउटलाइन बनाई जाए तो जी रेलिवेंट होगी अगर आपकी आउटलाइन साथ में वो प्रिसाइज होगी कॉम्प्रीहेंसिव होगी तो फर्स्ट इन्ग्रीडियंट आपका कंप्लीट हो गया नेक्स्ट इज़ द बॉडी ऑफ दी एसे अब बॉडी ऑफ द एसे में क्या आ जाता है उसमें आपके इंट्रोडक्शन आ जाएगा फिर आपके आर्ग्यूमेंट्स आ जाएंगे फिर आपकी ट्रांजिशंस आएंगी एंड देन कंक्लूजन क्या आप घर बैठे किसी भी वक्त सी एस एस की तैयारी करना चाहते हैं? तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट जहां आपको मिले बहुत सा मुफ्त स्टडी मटेरियल, कोर्सेस जो पूरा सिलेबस कवर करते हैं रीसेंट टॉपर से गाइडेंस और बेशुमार वीडियो लेक्चर्स मुनासिब कीमत पर। तो आज ही आगाज करें अपने कामयाबी के सफर का अब इंट्रोडक्शन जो आपने लिखना है उसका एक फॉर्मेट है वो एक शार्प फोकस्ड तरीके से इंट्रोडक्शन लिखना है इंट्रोडक्शन में जो प्रॉम्प्ट दिया गया उस पर बात होगी ऐसा नहीं मुमकिन कि आप उस पर बात ना करें और आप एनिकडोट्स या कोटेशंस वगैरह लिख दें लेकिन इंट्रोडक्शन को वेग रखें नो सो अगेन दैट इज़ अ मिस्टेक तो इंट्रोडक्शन फोकस्ड भी होगा बाय द एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ योर थीसिस स्टेटमेंट विल बी रिटर्न तो थीसिस स्टेटमेंट आपकी वहाँ पे आएगी देर फॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका फोकस्ड इंट्रोडक्शन हो मूविंग ऑन फिर आपकी आर्ग्यूमेंटेशन आएगी आपके आर्ग्यूमेंट्स क्रिस्प हों आपके आर्ग्यूमेंट्स वेल आर्टिकुलेटेड हों आपके आर्ग्यूमेंट्स शुड बी सब्सटैंशिएटेड विद डेटा क्योंकि अगर आप डेटा स्टार्स फिगर्स नहीं यूज़ करते और सिर्फ एक बात कर देते हैं तो वो बात थिन एयर में होगी ठीक है वो बात की उतनी वैल्यू नहीं होगी तो हमेशा याद रखें कि जो एक अच्छा आर्ग्यूमेंट होता है वो सिर्फ आपका अपना ओपिनियन नहीं होगा वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई बात लिख दी नहीं यू विल हैव टू इट विद रेलिवेंट फिगर्स स्टैट्स एग्जाम्पल्स तो आर्ग्यूमेंटेशन में ये बात याद रखनी है एंड सेकेंडली शुड बी वेल आर्टिकुलेटेड एक प्रॉपर तरीके से उसको बिल्ड करना है आर्ग्यूमेंट को एक प्रॉपर उसकी ओपनिंग हो फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे फिर सब्सटैंशिएट करेंगे फिर एक इम्प्रेसिव किस्म की उसकी फिनिशिंग होगी तो ये आपने आर्गूमेंटेशन का ख्याल रखा थर्ड इंग्रेडिएंट अब आपका आ गया ट्रांजिशंस आपके ऐसे में सी एस एस ऐसे में जो एक, एक अच्छा अगर आप सी एस एस ऐसे लिखना चाहते हैं तो इट शुड बी कोहेरेंट इट शुड बी बैलेंस्ड इट शुड बी इट शुड फ्लो इन अ वेरी लॉजिकल uh, मैनर तो ऐसा नहीं हो कि एब्रप्ट शिफ्ट्स आएँ एक साइड अगर आपने डिस्कस की है यूर एड्रेसिंग द सेकंड की फ्रेज़ और की वर्ड ऑफ द टॉपिक तो एब्रप्ट शिफ़्ट नहीं आनी चाहिए दरमियान में आपने टू बिल्ड कोहेरेंस यू विल हैव टू राइट ट्रांजिशन पैराग्राफ्स उसका आपने ख्याल रखना है वो एक इन्ग्रीडियंट है बहुत इंपॉर्टेंट फिर आ जाते हैं जी कंक्लूजन पर अगेन कंक्लूजन का भी एक फॉर्मेट है कंक्लूजन भी आपने बड़े अच्छे तरीके से लिखनी है बिकॉज अब आप एक इम्प्रेसिव फिनिश देंगे अपने ऐसे को और कंक्लूजन पे एग्जामिनर्स फोकस भी बहुत करते हैं तो आपने यू हैव टू ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर बट एट द सेम टाइम यू नीड टू बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट देट यू कैन नॉट पैराफ्रेज योर इंटायर आउटलाइन यू कैन नॉट समरइज़ योर इंटायर आउटलाइन नो दिस इज़ अ मिसकनसैप्शन ये आपने नहीं करना हाँ आपने बात जो है उसे ख़त्म तो करना है दरिया को एक कूजे में बंद तो करना है बट एट द सेम टाइम बहुत तरीके से वो बात करनी है एक इम्प्रेसिव फिनिश देते हुए तो आपने कंक्लूजन एक बड़ी अच्छी लिखी अब इसके अलावा कुछ चीज़ें जिनका ख्याल रखना है और ये आपके एग्ज़ामिनर्स एफपीएससी के उनकी भी ये रिक्वायरमेंट है उनकी ये गाइडलाइंस हैं कि अगर बच्चे अच्छा ऐसे लिखना चाहते हैं तो इन कुछ चीज़ों पे फोकस करें और वो क्या चीज़ें हैं कि एक तो स्टैंडर्ड लेंथ हर पैराग्राफ की एक स्टैंडर्ड लेंथ होती है अगर आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है उसकी एक स्टैंडर्ड लेंथ होती है कंक्लूजन का है स्टैंडर्ड लेंथ एक होती है फॉर योर आर्ग्यूमेंट्स फॉर ट्रांजिशन पैराग्राफ्स उन सब की एक स्टैंडर्ड लेंथ होती है तो आपने यू हैव टू स्टिक टू दैट लेंथ ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक आर्ग्यूमेंट तो आपका डेट सफ़े तक जाए और फिर कोई दूसरा आर्ग्यूमेंट तीन जुमलों में ख़त्म हो जाए नो no. ये नहीं करना आपने फिर एक और गाइडलाइन जो एग्जामिनर्स देते हैं वो ये कि आपने रेपिटिशन नहीं करनी ठीक है एक बात हो गई उसको अगर तरीके से रीइटरेट कहीं आपको करने की ज़रूरत पेश आए वो ज़रूर करें लेकिन आपके ऐसे में रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए इसका आपने ख्याल रखना है एक्सप्रेशन एट द एंड ऑफ द डे यू आर अपियरिंग इन सी एस एस इंग्लिश ऐसे पेपर so obviously you need to have this ability to get your point across you need to have this ability to communicate your ideas in a proper manner वो आपने करना है और उसके लिए expression बड़ा जरूरी है तो ऐसा नहीं कि आपने कोई बहुत superfluous language में चले जाना है flower उसमें language जो है बहुत ही आपकी fancy हो नहीं that is not the requirement लेकिन requirement ये है कि आप थोड़ा सा वेरिएशन लाएं सेंटेंस स्ट्रक्चर में कहीं सिंपल सेंटेंसेस हों कहीं कॉम्प्लेक्स हों कहीं पे आपने थोड़ा सा वो कैबलरी अपनी शो करानी है एग्जामिनर्स को उसमें आपकी वेरिएशन आनी चाहिए तो द एक्सप्रेशन शुड बी गुड और एक तीसरी चीज़ वो ये कि आपने ऐसे के अंदर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्रैम्ड नॉलेज है या क्रैम्ड डेटा है जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं This is an essay paper. It is not an executive summary. It is not a report. It is not a, a news जैसे newspaper पेपर में आ जाती है नहीं English essay का paper है तो आपने इस अंदाज में उसे लिखना है कि राइटर के जो पर्सनल फीलिंग्स या थाट्स हैं ऑन द टॉपिक वो भी कन्वे हों लेकिन वो इस अंदाज में आपने कन्वे करनी है कि एक कन्विंसिंग किस्म के आर्ग्यूमेंट्स आपने लिखने हैं सो दिस इज़ एन रिक्वायरमेंट जो एग्जामिनर्स की है जो वो कहते हैं कि जी अगर एक अच्छा सी एस एस ऐसे लिखना है तो इन चीज़ों पर कुछ पे फोकस करना है ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं अगर ये आपके ऐसे में होंगे अगर ये आपने रिक्वायरमेंट्स मीट कर ली देन यस यू विल बी एबल टू राइट अ वेरी गुड सी एस एस इंग्लिश ऐसे एंड इनशाला जी गुड लक टू द स्टूडेंट्स अल्लाह